इंदौर किशनगंज पुलिस ने हाईवे पर लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाले दो आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। आरोपियों के कब्जे से लूट की गई करीब 11 बाइकों और लाखों का सामान बरामद किया गया है। दरअसल पुलिस को लगातार राजमार्ग पर लूट की घटनाओं की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस ने सादी वर्दी में जवान को हाईवे पर तैनात किया था। जवानों ने दो संदिग्ध युवकों को पकड़कर इनसे पूछताछ की तो इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। 21 जनवरी को अभिषेक जैन नामक व्यक्ति को रोककर उसको चाकू दिखाकर उसकी मोटरसाइकिल, पर्स और मोबाइल छीनकर ले गए, जिस पर से थाना किशनगंज में लूट का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। एसटीओपी मऊ के नेतृत्व में थाना प्रभारी किशनगंज की एक टीम लगाई गई और इन अज्ञात आरोपियों की पतारसी हेतु कल शाम को दो युवक जिनकी मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट पर काली पट्टी लगी हुई थी, उनके द्वारा थाना किशनगंज के हमारी दो आरक्षक जो कि सिविल में लगाए गए थे, उनकी मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश की। दोनों ही आरक्षकों के द्वारा थाने को सूचना दी, थाने से और बल इमदाद पहुंचा और दोनों आरोपियों को थाना लेकर